दोस्तों आज हम देखेंगे हमारे पास में जो न्यू फिश का स्टॉक आया है तो उसमें कौन कौन से फिश आए हैं, तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखेंगे। तो आपको पता है न्यू मिलन एक्वेरियम परभणी महाराष्ट्र से हूँ मैं, और ये जो फिश है दोस्तों आसपास में दो चार घंटे का रन अगर है आपका तो वहाँ पे दो चार घंटे के रन में पार्सल हो जाएंगे जो जहाँ पे हम बस से भेज सकते। बाकी अदर स्टेट में जैसा कि महाराष्ट्र के बाहर कहीं भी पार्सल ये फिश नहीं कर सकते। सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए इस वीडियो को आप देखिए, जो कस्टमर आसपास में है वो आके यहाँ पे परचेस कर सकते फिश को। तो आज हमारे पास में देखेंगे जो एकदम बढ़िया बढ़िया जो फिश है एकदम खूबसूरत, तो रफ एंड टफ जैसा कि हम देख पा रहे कि टाइगर शार्क है। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे टाइगर शार्क है और बड़े बड़े साइज के, जैसा कि हमारा 3-4 फीट का अगर एक्वेरियम है तो हम बड़े फिश शार्क रख सकते हैं बिना ऑक्सीजन में। रफ एंड टफ बहुत ही स्ट्रॉन्ग फिश है, अगर किसी के फिश मरने का प्रॉब्लम आ रहा है तो ये फिश हम रखेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा दोस्तों। और इसी के साथ में यहाँ पर हमारे पास सकर फिश है, ये बड़ा फिश सकर फिश है दोस्तों। ये हमारा टैंक बहुत गंदा था, यहाँ पे हमने सकर फिश रखने से पूरा सकर फिश ने इसके ऊपर का जो भी देख रहे हैं जैसा कि पूरा क्लीन कर दिया है सकर फिश ने इस टैंक को। तो हम हमारे अगले फिश की ओर दोस्तों, नेक्स्ट अगले जो फिश है हमारे बड़े टैंक के कस्टमर के लिए खासतौर पे है, जिसके टैंक 4 फीट 5 फीट 6 फीट तक के है जैसा कि आप देख पा रहे हैं जैंगोरामी। ये वाला जो फिश है एकदम रफ एंड टफ है दोस्तों, मस्त है, बढ़िया है, ऑक्सीजन बिना ऑक्सीजन में दोनों भी चलेगा। ये फिश जल्द से जल्द बड़ा होता है, अगर हमारा पॉन्ड है बड़े से बड़ा वॉल में अगर हमारा एक्वेरियम बनाना चाहते तो इस फिश को हम रख सकते हैं दोस्तों। ये वाली फिश बड़े टाइम में दिखने में लुक बहुत ही अच्छा आएगा दोस्तों। थर्ड नंबर की फिश यहाँ पे हम देखेंगे रेड क्या, जो कि गोल्ड वेराइटी से है, जैसा कि गोल्ड फिश होती है उसी के अंदर पूरा टोटली उसकी बॉडी है तो पूरा टोटल ऑरेंज कलर की गोल्ड फिश की। यहाँ पर हम देखेंगे रेड कैप को, सर पे हेड होता है कैप जैसा, कोई जेली फिश के नाम से भी जाना जाता। इसका टोटल कैप है तो पूरा ऑरेंज होता है, पूरी बॉडी है तो उसकी व्हाइट होती है। ये हमारे पास में अगर एक्वेरियम में रखेंगे थोड़ा दिखने में एंटीक पीस दिखेगा, बहुत ही अच्छा है दोस्तों ये भी। दोस्तों चौथे नंबर में हमारे पास फिश है, फोर्थ नंबर में मॉब फिश है दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ब्लू और क्रीम शेड और ऑरेंज शेड तीनों येलो शेड में यहाँ पर देखेंगे फिश मिक्स है, चिकलेट वैरायटी से फिश है दोस्तों। ये मॉब फिशेस है, बहुत ही बढ़िया और बहुत ही स्ट्रांग है दोस्तों। पांचवे वैरायटी के हमारे पास में बढ़िया एकदम बेस्ट रोजी बार फिशेस है दोस्तों, बिग साइज में है, बड़े साइज में है दोस्तों। ये वाला जो फिश देखेंगे हम तो इसके अंदर जैसा कि बॉडी के टेल के ऊपर थोड़ा सा एक ब्लैक कलर का सिंबल होता है, ये जो फिश है बहुत ही इसके अंदर शाइनिंग बहुत ही अच्छी कलरफुल होती है दोस्तों। यहाँ पे हम लाइट अगर लगाते तो इसकी शाइनिंग हमें ओरिजिनल समझ में आती, बहुत ही प्यारी फिशेस है दोस्तों। एक्वेरियम में रखेंगे एक्वेरियम को चार चांद लगा देगा ये भी फिश दोस्तों। सिक्स नंबर में हमारे पास में पक्कू फिशेस है, जैसा कि हम देख पा रहे पक्कू फिशेस दोस्तों, इसको पिराना नाम से भी जाना जाता है, ये एक्वेरियम की पिराना है, कोई समंदरी पिराना नहीं है। हमारे एक्वेरियम में हम रखेंगे इसको तो बहुत ही बढ़िया लुक आएगा दोस्तों, और जैसा कि एकदम एग्रेसिव फिशेस होती है ये। देखिए इसके जो नीचे की जो टेल है दोस्तों ये बहुत ही ऑरेंज है, और उसके ऊपर देखेंगे हम सुरमा कलर में, ग्रे कलर में, बहुत ही खूबसूरत है दोस्तों ये। चलिए दोस्तों इसी के साथ में हम देखते हैं ऑस्कर फिश। ऑस्कर है दोस्तों यहाँ पर हमारे पास में, जैसा कि देख पा रहे हैं हम, ये बड़े साइज का ऑस्कर है और छोटे साइज का भी मैं बता दूंगा। 8 नंबर की फिशेस है दोस्तों हमारे पास में, 8 नंबर में यहाँ पर ये स्मॉल साइज में ऑस्कर है दोस्तों, येलो कलर है और ब्लैक कलर, ग्रे कलर और बीच में लाइनिंग है, बहुत प्यारी प्यारी। ये है हमारे पास में मीडियम साइज ऑस्कर दोस्तों। यहाँ पर हमारे पास में देख रहे हम जैसा कि कोई फिशेस है, जैसा कि बड़े टैंक है, अगर किसी के 7 से 8 इंच की हमारे जो फिश है लगभग 3 से 4 फीट के एक्वेरियम में भी रखेंगे तो चलेगा, अगर हमारा 2 फीट का एक्वेरियम है तो भी 7-8 इंच की कोई फिशेस बहुत ही बढ़िया है। तो चले दोस्तों यहाँ पे हम देखेंगे 9 नंबर, 9 नंबर पे हमारे पास में डायमंड एंजल फिशेस है दोस्तों। ये फिश बहुत ही बढ़िया है, जैसा कि रॉयल फिश होती है डायमंड एंजल दोस्तों, ये भी बढ़िया। देखिए काफी स्टॉक है इसके अंदर, छोटा साइज है, वैरायटी हमारे पास में 20, 30, 40, 50 से लेकर 70 तक, ये जो हमारे पास में जो फिशेस है दोस्तों ये डायमंड एंजल दोस्तों 10वीं वैरायटी है हमारे पास। 10 नंबर की वैरायटी में हम देखेंगे जैसा कि जो छोटे बाउल होते हैं, बाउल वाले कस्टमर छोटे टैंक होते हैं 1 फीट के 2 फीट के, जिसमें हमारे पास कभी ऑक्सीजन होता है नहीं भी होता है, तो वैसे टाइम में हम रखने के लिए हमारे पास होती है फिश मॉली। तो मॉली के अंदर दोस्तों 2 नंबर पे हमारे पास में यहाँ पर हम देखेंगे चॉकलेट मॉली फिशेस है दोस्तों। ये
जैसा कि पूरी ऑरेंज, इसके पूरा तो आधा हिस्सा पूरा ऑरेंज होता है, आधा हिस्सा ब्लैक होता है। तो इसके लिए अंदर देखेंगे बहुत ही खूबसूरत इसकी जो टेल होती है दोस्तों, उसके अंदर इसको चंद्रकोर भी, जैसा कि चांद वाला जो डिजाइन होता है वो भी होता है इसी के अंदर। बहुत ही देखेंगे इसको मेल फीमेल ब्रीडिंग के वास्ते बेस्ट फिशेस है। 11 नंबर में वेराइटी में दोस्तों यहाँ पर हमारे पास देखेंगे फ्लोरन फिश बिग साइज में, बहुत ही बढ़िया है दोस्तों। जैसा कि इसका विड्थ इसकी देखेंगे, इसकी चौड़ाई देखेंगे फिश की हम, तो 5 इंच की चौड़ाई है और 9 इंच की लंबाई है इसकी लगभग दोस्तों। ये बहुत ही एक्टिव फिशेस है हमारे पास में, और मेल है दोस्तों ये भी हमारे पास। देखिए दोस्तों 12 नंबर में हमारे पास 12 टाइप्स में यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर हमारे पास में गोल्डन फिशेस है बिग साइज में दोस्तों। जैसा कि हम देख पा रहे हैं ये 4 इंच की फिशेस है, बहुत ही बिग साइज में, बड़े फिशेस के लिए बहुत सारे कस्टमर के ऑर्डर थे। यहाँ पे हम देखेंगे ऑरेंज में, पूरा फुल ऑरेंज है, व्हाइट है और प्लस मिक्स है दोस्तों, ऑरेंज और व्हाइट। और इसी के साथ में हम सकर फिश देखेंगे, मीडियम साइज में सकर फिश है ये दोस्तों। यहाँ पे हमारे पास 5 इंच की लगभग ये गोल्ड फिश है। इसी के साथ में छोटा साइज देखेंगे हम 4 इंच वाला, यहाँ पे 4 इंच में भी देखेंगे हमारे पास ब्लैक, ऑरेंज और व्हाइट, तीनों कलर अवेलेबल है। और दोस्तों यहाँ पे छोटा साइज देखेंगे 3 इंच में दोस्तों। 14वें नंबर 4th नंबर की हमारे पास में 3 इंच की लगभग देखेंगे हम ये, इसी के अंदर है पे तो हमारा गोल्ड फिश है और प्लस इसके साथ में दोस्तों ये 4 इंच में इसके गोल्ड है। दोस्तों 16 नंबर पे हमारे पास में एल फिशेस है, ये स्मॉल साइज की इलफिशेस है दोस्तों। बड़े साइज की इलफिश मैं वो भी दिखा दूंगा आपको, वो भी देखिए 60 नंबर में इलफिश। दोस्तों 17 नंबर में हमारे पास में बाला शार्क है, पूरा टोटली सिल्वर कलर में, बहुत ही स्टैंडर्ड और रॉयल फिश है दोस्तों, ये एकदम बढ़िया एक्टिव फिशेस है। इसी के साथ में 18 नंबर में दोस्तों यहाँ पे हम देखेंगे ये हमारे पास में कैट फिश, एल्बिनो कैट फिश है दोस्तों, बिना ऑक्सीजन में रफ एंड टफ और बहुत ही जल्दी बड़ा होगा फिश है दोस्तों, बहुत ही अच्छा फिशेस है। और इसी के साथ में हम कुछ बड़े इसके गोल्ड भी देख रहे हैं दोस्तों। गेन गोरामी ये हमारे पास, जैसा कि हमने पहले देखा था 2nd नंबर के स्टेप में, तो ये वो बड़ा साइज था, ये छोटा साइज है दोस्तों, ये जैसा कि बहुत ही बड़ा होता है, ये है गेन गोरामी दोस्तों, बहुत ही बढ़िया और एक्टिव काफी फिशेस है दोस्तों और स्ट्रांग है, कैसे भी कंडीशन में रहने का एकदम बढ़िया रह सकता है ये भी। और गेंगोरामी को कैसा केयर करना है उसका वीडियो तो अलग से है दोस्तों। 21 टाइप्स में हमारे पास में देखेंगे जैसा कि गोल्ड फिशेस है, ये मीडियम साइज की गोल्ड है दोस्तों, बढ़िया है, बहुत सारा स्टॉक है, बड़ी अच्छी क्वालिटी में। चलिए अगली देखेंगे दोस्तों 22 टाइप्स में हमारे पास में, जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि ये है मिल्की कोई और कोई फिश, बहुत ही बड़े साइज में दोस्तों, बढ़िया है, 6 इंची कोई है यहाँ पर और ये है मिल्की। नेक्स्ट और 23 नंबर में हमारे पास में हम देखेंगे दोस्तों यहाँ पर है पिंक जेब्रा और 2 इंच की फिशेस है दोस्तों, बढ़िया है 2 इंच में, पिंक कलर में जैसे दूसरी फिशेस होती है उससे ये कलर बहुत ही प्यारा और एकदम गाजर जैसा, एकदम गाजरी कलर होता है दोस्तों, पिंक कलर है ये। चलिए अगली फिश देखते हैं यहाँ पे हम, अगली फिशेस में हम देखेंगे दोस्तों ये है हमारे पास में एल्बिनो शार्क, जैसा कि बिना ऑक्सीजन में रफ एंड टफ रहने वाला जो फिशेस है एल्बिनो शार्क, 5 से 6 इंच का फिशेस है तो ये, इसके अंदर दोस्तों ब्लैक कलर में भी मेरे पास में स्मॉल साइज अभी अवेलेबल है, एक 5 से 6 इंच में हम देखेंगे ये है टाइगर शार्क ब्लू और ब्लैक कलर में, जैसे कि हम देख पा रहे बहुत ही एक्टिव फिशेस है होते हैं और जल्दी से जल्दी ये इसका ग्रोथ होता है दोस्तों, फास्ट ग्रोथ में हमारे पास में ये शार्क फिशेस अवेलेबल बहुत सारे हैं। छोटे छोटे बाउल्स कस्टमर होते हैं, बाउल्स के लिए ये हमारे पास देखेंगे गोल्डन फिशेस स्मॉल साइज में है दोस्तों, एकदम सबकी फर्स्ट फिश और फर्स्ट ये टाइम जो फिश लेते हैं और एक्वेरियम को गेटअप देने के लिए यही फिश का काम होता है दोस्तों सबसे पहले, यह है स्मॉल साइज में और सबसे सस्ती फिशेस है दोस्तों। दोस्तों हम जैसा कि देख पा रहे हैं हमारे पास में बहुत ही एकदम डार्क कलर में एक्टिव फिशेस है, यह है हमारे पास दोस्तों शॉर्टटेल प्लैटी फिशेस,
बहुत ही एक्टिव और कलर इसके देखेंगे बहुत ही प्यारे कलर होते हैं दोस्तों। हमारे एक्वेरियम में हम अगर ब्लैक शेड का अगर बैकग्राउंड डिज़ाइन लगाते हैं उसी के सामने अगर हम इस फिश को रखेंगे तो बहुत ही एक्टिव फिशेस दिखेंगे दोस्तों। ये हमारे पास में प्लैटी स्वॉटेल में बहुत सारे फिशेस अवेलेबल है ये भी। और दोस्तों इसी के साथ में हम देखेंगे चिकलेट फिश। और अगली फिश देखेंगे दोस्तों यहाँ पे हमारे पास है एल्बिनो टिनफिल बार। बहुत ही एक्टिव फिशेस जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि हमारा टैंक है तो एक्टिव रखने में और अपनी और खिंचावट करने में ये फिश बहुत माहिर है और इसके अंदर शाइनिंग भी बहुत ही अच्छी आती है। 26 नंबर में हमारे पास दोस्तों देखेंगे ये है हमारे पास बिग साइज में गोल्ड फिशेस। जैसा कि आप देख पा रहे हैं बहुत ही बड़े बड़े फिशेस है दोस्तों, ये बड़े साइज के गोल्ड है दोस्तों। अगर हमारे टैंक बड़े हैं, अगर हम एक्वेरियम में ज्यादा मछलियां रखना नहीं चाहते तो ये हम फिश आराम से रख सकते। बहुत ही एक्टिव फिशेस है दोस्तों ये भी गोल्डन। दोस्तों अगली फिश देखेंगे हम डॉक्टर फिश, जिसको हम गारा रूफा के नाम से जानते हैं। और ये जो फिश होती है दोस्तों ये एक बिजनेस करने के लिए भी फिश होती है। ये अगर हम फिश रखेंगे या इसके अंदर ब्यूटी पार्लर में हम अगर इस फिश को रखते हैं और इस फिश के अंदर पेडिग्री के जो टाइप होते हैं जैसा कि जिसके अंदर हाथ डालेंगे पैर डालेंगे तो उसके अंदर जो डिटेक्ट जो स्किन होती है उसको ये खाने का काम करते हैं। उसके अंदर ये बहुत ही अच्छी गारा रूफा डॉक्टर फिश नाम से जो जानी जाती है इसको हम अगर एक्वेरियम में रखते हैं तो इसके अंदर भी हमारे पास में बिजनेस के लिए बहुत ही एक्टिव और ब्यूटी पार्लर के लिए कस्टमर के लिए बहुत ही अच्छी होती है दोस्तों ये भी। दोस्तों जैसा कि हमने अल्बिनो टिनफिल देखा था यहाँ पर हम सिल्वर टिनफिल देखेंगे, जैसा कि बहुत ही एक्टिव फिशेस होती है और जल्दी बड़ी होती है। अगर आपकी फिश ज़्यादा बार बार मर जाते हैं तो ये फिश हम रखेंगे तो हमारे पास की जो भी टाइम है फिश मरेंगे नहीं दोस्तों, फिश मरने का प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं आएगा। दोस्तों हमारे पास में अगर फिश क्यों मरते हैं उसके ऊपर भी बहुत सारे वीडियो मैंने बनाए हैं, वो भी देख सकते हैं आप। और जैसा कि वीडियो टेट्रा देखेंगे हम, ये वीडियो टेट्रा भी हमारे पास में जैसा कि लुक देने में बहुत ही एक्टिव होता है। ये जो फिश होता है दोस्तों कि अच्छा एकदम वीडियो टेट्रा, ये जो फिश हम अगर एक्वेरियम में रखेंगे तो हमारा एक्वेरियम भी बहुत ही खूबसूरत दिखेगा, अच्छा लगेगा दोस्तों। ये भी हमारे पास में स्टॉक में बढ़िया है और कम से कम बजट में ये भी अवेलेबल मिल जाएगा। और ये हमारा टावर टैंक है दोस्तों, टावर टैंक में मैंने यहाँ पे ग्रीन टेरर फिश रखा है। टावर टैंक का भी बहुत ही अच्छा लुक होता है दोस्तों, ये स्ट्रेट होता है जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये टावर टैंक है। कम से कम जगह में हम इसको एडजस्ट करा सकते हैं। ग्रीन टेरर में भी बहुत ही एकदम हटके और एंटिक पीस फिशेस है ये भी। और दोस्तों अगली फिश देखेंगे हम शुभम किंग। 29 नंबर्स पे हमारे पास में इस फिश का भी स्टॉक काफ़ी अच्छा है दोस्तों। और ये जो फिशेस है दोस्तों अगर आप यहाँ आके ले सकते तो मेरे रेट आपको बहुत ही कम रिजनेबल है, ये होलसेल रिटेल दोनों में भी अवेलेबल हो जाएंगे। एसके गोल्ड नाम से जानी जाती शुभम किंग, ये भी फिश काफी बड़ी है, एक्टिव है 4 से 5 इंच में। दोस्तों जब भी हम एक्वेरियम नया लेते हैं, बाउल लेते हैं, उसके अंदर कभी मशीन होती है नहीं होती है, उस टाइम में हमें रखने के लिए जो सबसे ज्यादा फिश स्ट्रांग और एक्टिव फिशेस देखने में आती है और सबसे ज्यादा जो बच्चों की चहेती फिश होती है दोस्तों वो है मौली फिश। और उसी के अंदर हम देखेंगे ये है बलून मौली, जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिव और ब्रीडिंग होती है दोस्तों इसके अंदर, ज़्यादा से ज़्यादा फास्ट इसको जैसे कि हम देख पा रहे इसके अंदर मेल फीमेल एडिटिफाइज थोड़ा फास्ट होते हैं। और इसको भी हम ज़्यादातर तो एक ब्रीडिंग के लिए यूज़ कर सकते और ब्रीडिंग जैसा कि हम ब्रीडिंग किस टाइप से करनी कैसे करनी बहुत सारे वीडियो भी आपके आप देखेंगे मेरे इस चैनल पर तो मिल जाएंगे दोस्तों। और इसी के साथ में हम अगली फिश देखेंगे यहाँ पर ब्लू गोरामी, और ये इसी के साथ में कुछ टाइगर बारे गोल्ड गोरामी फिशेस है। ये फिश हम ऑक्सीजन में रखेंगे तो भी चलेगा, इसको कम भी ऑक्सीजन रहेगा दोस्तों तो भी चल जाएगा, पर कोई भी फिशेस है ज़्यादातर ऑक्सीजन में ही रखा जाए। तो ब्लू गोरामी की काफ़ी एक्टिव फिशेस है दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे। चलिए दोस्तों अगली फिश देखेंगे हम बेटा फिश, जो फाइटर फिश नाम से जानी जाती है। यह है बेटा फिश दोस्तों, ये छोटे से छोटे कम से कम पानी में भी हम रख सकते हैं। जैसा कि हम देखेंगे रेड कलर में ब्लू कलर में बहुत सारी फिशेस यहाँ पर हमारे पास में ये भी बहुत सारे वैरायटी में अवेलेबल मिल जाएंगी दोस्तों। और भी बहुत सारे फिशेस है जैसा कि मेरी प्राइस लिस्ट और जो फिश की वैरायटी है फिश का स्टॉक अवेलेबल है
बहुत सारा स्टॉक हमारा होलसेल में भी चला जा चुका है, होलसेल में भी है अपने पास में, पूरे ऑल इंडिया में या महाराष्ट्र से जो भी कस्टमर आते हैं यहाँ आके लेने के वाले के लिए, ये हमारे पास होलसेल में भी टोटल फिशेस मिल जाएंगे दोस्तों, कम से कम रेट में, रीजनेबल रेट में। और दूसरा ये बताना चाहूंगा दोस्तों कि अगर आपको जब भी मेरे पास ये फिशेस देखना है तो मेरे व्हाट्सअप स्टेटस पे लगी रहती है कि कौन कौन सी फिश का नया स्टॉक आता है या कोई कौन सी फिश की लिस्ट आती है, उसके अंदर भी आप देख के मुझे यहाँ के फोन पे ऑर्डर देके यहाँ से ले सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो को बड़ा ना करते हुए अगले वीडियो में और मिलेंगे। थैंक्स।